जाने के वक्त पे देखे तो एक स्पॉट डेथ था, दौलत मोमिन थोड़ा मूवमेंट कर रहे थे। मूवमेंट करने के बाद जैसे ही देखे तो हम लोग एम्बुलेंस को फोन किए, एम्बुलेंस ले सीधा मुंह पे बोले कि एक घंटे तक हम एम्बुलेंस नहीं दे सकते। मतलब आप फोन करने के बावजूद भी 108 को एम्बुलेंस नहीं आया और वो एक घंटे तक नहीं आया। एक घंटे तक नहीं आई, उसके बाद में कुछ लोग लड़के लोग थे तो उसको बुलेट पे बैठा के भेज के दिया। फिर यहाँ हमला आपको पीएम करने को, यहाँ और एक इश्यू रखे की वो कन्नड़ा है मराठी बोल के वो दे दी करे। पीएम का रिपोर्ट बनाने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस लेके आकर डॉक्टर पुष्पा मैडम को देने के बाद पुष्पा मैडम ने सख्त मना कर दी, ये मराठी में हमको जमता नहीं, या तो तुम्हें हिंदी देना या तो इंग्लिश करना। कल जो अम्बोली रोड पर जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके यहाँ पर गवाह भी मौजूद हैं, फजल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फजल भाई वहाँ क्या हुआ, किस तरह से? एक्चुअली जब वो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे वो टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जाने के वक्त पे देखे तो एक स्पॉट डेथ था, तो एक जो अभी जो पेशेंट यहाँ पे है इनका नाम दौलत मोमिन थोड़ा मूवमेंट कर रहे थे। मूवमेंट करने के बाद जैसे ही देखे तो हम लोग एम्बुलेंस को फोन किए, एम्बुलेंस ले सीधा मुंह पे बोले कि एक घंटे तक हम एम्बुलेंस नहीं दे सकते। जब टूरिस्ट प्लेस है ऐसे प्लेस में बार बार ऐसे वारदात होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, बट उनका कोई ऐसा एम्बुलेंस का फैसिलिटी चंदगढ़ गांव से या महाराष्ट्र से कोई फैसिलिटी ऐसा नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि चंदगढ़ का टूरिस्ट प्लेस सिंगल रोड है, बड़े बड़े गाड़ियां आती है, चंदगढ़ से लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न से ये जो स्टेट रोड है स्टेट रोड से कंटिन्यू गाड़ी गुजरती थी, एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, एक सिग्नल नहीं है, विदाउट सिग्नल है, ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कौन सी भी गाड़ी बाहर से आती है तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसा कोई इंतजाम चंदगढ़ का तरफ से कुछ भी नहीं है। मतलब आप फोन करने के बावजूद भी 108 को एम्बुलेंस नहीं आया और वो एक घंटे तक नहीं आती? एक घंटे तक नहीं आई, उसके बाद में कुछ लोग लड़के लोग थे तो वो जो पेशेंट अभी दौलत है उसको बुलेट पे बैठा के भेज के दिए, एक कोई बाइक पे बिठा के चंदगढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भेज के दिए। भेज के देने के बाद में वहाँ पे कुछ पकड़े नहीं पकड़े ऐसा कुछ मालूम नहीं, हम लोग निकल गए थे वहाँ से। फिर आधे रास्ते में आने के बाद एम्बुलेंस मिली, आधे रास्ते आने के बाद एम्बुलेंस में बिठा के लेके हॉस्पिटल में लेके आए, तो शायद वहाँ पे कुछ कार्रवाई होती थी अगर वो चंदगढ़ हॉस्पिटल में तो कुछ बच सकता था। जी जी, जिस तरह से फजल भाई बता रहे वाकई एक सोचने की बात है। जहाँ पर हादसे की जगह है, जैसा उमूमन सड़कों पर एक निशानदेही की जाती है कि ये एक्सीडेंट का प्लेस है वगैरह, तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं है, और जब हादसा होने के बावजूद भी फसल भी वहाँ पर मौजूद भी थे और उन्होंने कई बार एम्बुलेंस को फ़ोन भी किया 108 को, लेकिन कोई भी एक घंटे तक नहीं आती, इस तरह की बात की। और जैसा इन्होंने कहा कि वाकई अगर कुछ जल्दबाजी में कुछ फैसले लिए जाते या तो फिर अस्पताल पहुँचते, किसी तरह का इलाज शुरू होता तो हो सकता है कि एक शख्स की जान बच सकती थी, लेकिन वहां पर जानबूझकर ताखिर की गई जिससे एक शख्स की जान चली गई है, जिसकी वजह से घर वालों पर हाथ सदमा पहुंचा हुआ है और उनके घर वालों पर एक दुख का यानी कि एक गम का पहाड़ टूटा हुआ है, जिसके लिए ये सिस्टम जिम्मेदार है ऐसा हम कह सकते हैं। नूर अहमद कश्मीसा मुल्ला पंतवाड़ी कुंदरी। जब हमारे कल बच्चे जामोटी हुए थे चंदगढ़ में, जब हादसा हुआ कैंटर जो बेलाम कर रहा था, हमारे बच्चे एम्बुलेंस से जा रहे थे तो रोड क्रॉस होने की वजह से आमने सामने होने की वजह से टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद एक लड़का वही जगह पर स्पॉट हुआ और दूसरा लड़का जान हंसते रहने की वजह से लक्यू की लेकर आए। लक्यू में लेकर आने के बाद एक आधे घंटे घंटे से कोशिश करने के बाद वहाँ पर डॉक्टर ने बोले कि ख़त्म होगा। फिर वो लक्यू वाले MLC माल मारुति पुलिस स्टेशन को लगा दिया। हमने बताया कि माल मारुति तुम्हें वहाँ माल मारुति को जाओ। फिर वहाँ जाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि नहीं, हमें यहाँ क्या नहीं करने आता, तुम्हें चंदगढ़ को जाना, तो हमें रिक्वेस्ट करें कि वहाँ से यहाँ से आने जाने से हमारा तकलीफ होती है, तुम यहाँ से कार्रवाई करके सहूलत करोगे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसी टाइम में और एक एक्सीडेंट हुई थी वहाँ कहाँ पे थोड़ा आगे, तो वो सेम केस, तो उन्होंने सावंत लिखवा था सेम केस, उन्होंने कैंप पुलिस स्टेशन में उनकी पूरी कार्रवाई कर ली है। फिर हमने ऐसा हरेसमेंट करे वो कार्रवाई आके उन्होंने छंडवर करके उन्होंने PM करके उनको लगा दिए। फिर हमना ऐसा एक तो वहाँ से रात भर को हमने 10-11 बजे जाने के बाद एक मोदी का लड़के को वहाँ पे PM करे। फिर यहाँ हमना आपको PM करने को यहाँ और एक इश्यू रखे कि वो कन्नड़ा है मराठी बोल के वो देरी करे। फिर हमने और रिस्पॉन्स भी दिए नहीं और हमारा रिकम्प्लेंट भी लिए नहीं। फिर वो CPI भी हमने रिस्पॉन्स दिया नहीं, पुलिस भी दिए नहीं, क्या भी नहीं, हमारा कन्नड़ा मराठी ऐसा हमारे में ये करे बहुत ज़्यादा तकलीफ दिए। फिर हमारा जरा हमें काउंटर केस दिया तो लिए नहीं, हालांकि बच्चे हमारे दोनों गुजरे हैं, गुजरे भी उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि तुम्हारी गलतों की लड़कों की गलती है, हमारे लड़कों की गलती तो नहीं दिखी, हमला तो दिख रही नहीं थी क्योंकि वो कैंटर बड़ी गाड़ी थी, वो छोटी गाड़ी ऐसा जा रही थी, आमने सामने टैंकर वाला वो स्पीड जा रहा था क्रॉस था, तो बच्चे उन्होंने ऐसा ही डायरेक्ट बताया कि तुम्हारे बच्चे बोल के हमें जो भी इंक्वायरी होती है हमारे कंप्लेंट बोले तो सख्त मना करे
रिस्पॉन्सिस करे नहीं उठित लिए नहीं बहुत तकलीफ दे हमारा। उसके बाद फिर आज ऐसा हमारा सुबह से आता हूँ अभी आता तब आता टका पटाके इधर मराठी में उन्होंने पूरा लिख लेके आए हाँ चंद्रगढ़ मराठी में लिख लेके आने के बाद है यहाँ तो डॉक्टर ऑब्जेक्शन लगा कि हमारा मराठी आता नहीं मराठी नहीं समझता मराठी तुम्हें या तो हिंदी दो या तो इंग्लिश दो फिर उनको यहाँ जम रहा नहीं पुलिस को क्या करना समझा नहीं हमको इसके साथ वो हमारा देरी बहुत हुई और इसके साथ हम तकलीफ भी बहुत हुई बहुत हमें परेशानी में रहे इतने कल से आज तक बहुत परेशानी में रहे अभी भी कार्रवाई चली अभी भी मुख्य मिल रही वकील पर ट्रांसलेशन भी जम रहा नहीं वो पुलिस अभी काम जी सीधा कर रहे नहीं बहुत तकलीफ हुई हमारा बहुत तकलीफ किया वो बोल रहे हैं घर वाले तकलीफ यहाँ भी तकलीफ और कर को भी दे नहीं हमारा पूरा काम और महाराष्ट्र में तो जरा भी हमारे कर्नाटक लोगों को रिस्पॉन्स ही देते नहीं वट इज हमारा कंप्लेंट लेना था वो लिए नहीं बहुत ही तकलीफ दिया हमने महाराष्ट्र के अंदर ऐसा एक्सीडेंट और हुआ तो हमने कर्नाटक की पुलिस हेल्प करना हमने कर्नाटक की पुलिस हेल्प कर को हमने क्या है कि नहीं हमारे बच्चे का यहाँ साबड़तोबड़ इलाज होना पोस्टमार्टम होना कुछ भी है तो हमारे कर्नाटक की पुलिस हमना साथ देना और दे रहे हैं इंशाल्लाह लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस हमना रिस्पांस नहीं करी हमें रात के 10-11 बजे थोड़ी भी हमें उनके पीछे मेहनत करे बहुत सारी कोशिश करे वकील को भी ले गए थे वहाँ के वकील को भी चंदगढ़ के वकील को बुलाए थे बुलाने के बावजूद भी हमारे मंत्रियाँ दो मंत्रियाँ फोन करे CPI को फिर भी हमारा रिस्पांस नहीं मिला हमें वहाँ से नाराज हो गई हमारा केस दर्ज नहीं कर लिए इस वजह से हमें क्या है कि नहीं बच्चे हमारे तुम्हें जैसा बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस हमारा सपोर्ट नहीं करी तुमना जो है साथ नहीं दिए लेकिन उन्होंने यहाँ बैठ को मराठी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ के जो DHO वगैरह है कि मराठी में है कन्नड़ में नहीं है ये टाइम जो अब वक्त ताखिर जोहर की नमाज का वक्त हो गया जबकि सुबह 10-11 बजे का वक्त दिया गया था पूरे लोग वहाँ पर मौजूद हैं ये आप क्या कहेंगे कि यहाँ कर्नाटक वालों की जो ये हिमाकत है इस पर क्या कहेंगे तो कर्नाटक के हिसाब से मैं बोलता हूँ देखो कर्नाटक में कर्नाटक के चलने वाला हमारा जो है रूल लेकिन हालात क्या है उसके हिसाब से फैसला लेना नहीं जो अब दो बच्चों की मौत हुई है और यहाँ पर कन्नड़ मराठी का जो तनाजा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो भी मैडम है यहाँ पर तो ये तमाम गांव वालों का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से एक तमाशा कह सकते हैं इसे कि कन्नड़ मराठी का यहाँ पर तनाजा लाकर खामखा इस मामले को तूल दिया जा रहा है लिहाजा गांव वालों की तरफ से ये मुतालबा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए क्योंकि वो घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है गाँव वालों पर क्या बीत रही है वो खुद ही जाने लेकिन ऐसे मौके पर भी मराठी में लाया गया है कन्नड़ में नहीं किया गया इंग्लिश में क्यों नहीं लाया गया इस तरह का जो है खामा एक तनाजा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है अभी भी देख सकते हैं कि दोहर का वक्त होने को आया अब तक जो है दौलत मोमिन की जो है मैयत पोस्टमार्टम के बाद गांव वालों के हाथ में नहीं दी गई है घर वाले वहां पर इंतजार कर रहे हैं ये किस तरह का माहौल है ये आप सभी देख सकते हैं कल 2 बजे हुआ सो अब 2 बजने को आए तो हमारा इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसके अवसर में रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ जो हमारे कन्नूर के एक बच्चे का हादसा हुआ था कन्नूर के बच्चे का हादसा जब हुआ तो मार्केट पुलिस स्टेशन वालों को हैंडल कर रहे थे मार्केट पुलिस स्टेशन वाले खुद आको वो क्या करने का सब कर को गए तो ये महाराष्ट्र के पुलिस आने के बाद हमना क्या है कि नहीं फिर भी हमारे वकील को लाको हमें सब ट्रांसलेट कर को देने के बाद ये काम भी अभी तक नहीं कर रहे जो भी कानूनी दस्तावेज कानूनी कार्रवाई है वो अपनी जगह पर होनी चाहिए लेकिन आखिर में इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसे मद्देनजर रखकर कुछ फैसले लेने चाहिए थे जो नहीं लिए गए इस पर गांव वालों का एतराज है महाराष्ट्र की पुलिस पूरा मराठी में करके लेके आई थी यहाँ पर PM का रिपोर्ट बनाने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस लेके आकर डॉक्टर पुष्पा मैडम को देने के बाद पुष्पा मैडम ने सख्त मना कर दी ये मराठी में है हमको जमता नहीं या तो तुम्हें हिंदी देना या तो इंग्लिश करना मराठी में अगर देंगे तो हम नहीं लेंगे इसलिए देरी हो गई हमना तो भी रिटर्न वो इंग्लिश या मराठी का इंग्लिश करते वक्त देरी हो गई इसके साथ पुष्पा मैडम आइंदा ऐसा नहीं करना जो भी हालत देख के हमको जल्दी रिस्पांस देकर पुष्पा मैडम को रिक्वेस्ट किए क्या रिक्वेस्ट किए रिक्वेस्ट भी किए वो बोली कि ऐसा मैं नहीं कर सकती वो मेरे को लेने आता नहीं मेरे को मराठी नहीं समझता मेरे को कन्नड़ी चाहिए या तो हिंदी या इंग्लिश दो बोली आप उसी वक्त उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना वो देने के लिए देरी होगी ना और पुलिस लोगों को नहीं पुलिस लोगों को जम रहा नहीं इंग्लिश वो भी पुलिस भी आए सीखे पड़े लेने कमी सीखे पड़े ले उनको इंग्लिश ही आता नहीं इसलिए हमारे खुद एक वकील को बुला के बटा के ट्रांसलेट करके लिख के दे रहे इसलिए देरी हो गई आइंदा ऐसा नहीं होना पुष्पा मैडम ऐसा नहीं करना क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ लोगों को देख के जैसा हालत रहता है उसके मुताबिक करके दे के भेज दे तो बहुत हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी।